हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हमारे पास लेके आए, या फिर आप देख सकते हैं आपका एमएसएम जो टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर है, फोर आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आज उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपका आपका जो वैकेंसी पोस्टिंग आपको फिलेवर कितना बार मिल जाएगा। तो इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपसे बोल दूंगा। आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज आपको वीडियो स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखिए, और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आप उससे भी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप सब एक बार देख ही सकते हैं आपका जो नेम, आपका पोस्ट भी दिख गया, आपका क्या क्या पोस्ट के वगैरह। पहला जो पोस्ट आपका जो असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसके बाद परचेस ऑफिसर होगा, आपका देख सकते हैं आपका सीनियर ऑफिसर होगा, सीनियर इंजीनियर होगा, जो बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए फुल नोटिफिकेशन मैं आपको बोल दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको, यहाँ पर आपको और पहला आपका जो इंस्ट्रक्शन है, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट जाके आपको अप्लाई करना होगा, और रजिस्टर करके आपको फुल नोटिफिकेशन उसके आपको मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको लास्ट सबमिशन भी डेट दे दिया। आप जो मैनेजिंग डायरेक्टर आप देख सकते हो जमशेदपुर में है, से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपका इम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी के मुताबिक यहाँ पर पहला आपको जो पोस्ट है आपका जो असिस्टेंट मैनेजर एडमिन जो अकाउंट सिस्टम, यहाँ पर आपका पे स्केल 10 सैलरी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम अपर एलिजिबिलिटी आपको 35 साल आपको अगर मिल जाएगा, और यहाँ पर फिर आपको एक ही वैकेंसी और एक ही आपका अर्निंग कैरेक्टर द्वारा आपका आता है। उसके बाद आपका परचेस ऑफिसर हो गया, यदि आपका पे स्केल 6 सैलरी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम एजिएम 32 है, और यहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट भी सिर्फ एक ही है देख सकते हैं। सो उसके बाद आपका स्टोर ऑफिसर हो गया है, यहाँ पर पे स्केल 6 आपको सैलरी मिल जाएगा, 32 सेम है। उसके बाद आपका जो सीनियर इंजीनियर जो डिजाइन हो गया, यहाँ पर पे स्केल 7 आपको सैलरी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 35 ईयर्स मिल जाएगा, और वैकेंसी एक ही है। उसके बाद जो आपको सीनियर इंजीनियर जो प्रोडक्शन हो गया, आपका मेंटेनेंस हो गया, इन तीनों का सैलरी वगैरह एज लिमिट और आपका जो वैकेंसी सब कुछ को सेम है। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन हो गया, सो यहाँ पर आपको पे स्केल 5 सैलरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज लिमिट 30 से 30 एज मिल जाएगा, और नया तो पोस्ट से आपका दो ही पोस्ट है। उसके बाद जो सीनियर मैनेजर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप ट्रेनिंग के मुताबिक यहाँ पर पे स्केल 12 आपको सैलरी मिल जाएगा, और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, और सिर्फ एक ही वैकेंसी है। उसके बाद आपका जो मैनेजर मैकेनिकल में होता है, पे स्केल 11 सैलरी मिल जाएगा आपको, लगभग बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा यहाँ पर, भी आपको 40 मिलेगा। उसके बाद सीनियर इंजीनियर ट्रेनिंग भी देख सकते पे 7 सैलरी पर मिल जाएगा आपको, और अलग से जो SC ST है उनके लिए 5 साल का अपर एज में छूट मिल जाएगा, और OBC को 3 साल का अपर एज में उनको छूट मिल जाएगा। सो उसकी चिंता आप लोग कुछ मत कीजिए। उसके बाद आपका आपका पहला जो आता है जो असिस्टेंट मैनेजर एडमिन अकाउंट्स के मुताबिक, तो यहाँ पर उनको कॉमर्स से उनको ग्रेजुएट होना होगा, और एनी ग्रेजुएट विद लॉ MBA PG DMA और CA ICWA इसे के ऊपर पर्टिकुलर कॉमेंट करना पड़ेगा बस, और कुछ लोग नहीं दिया। आप लोग आपका जो मेन जो इसेंशियल है वो आपका मेन है, आपको डिजरेबल पर देखना कोई आपको जरूरत नहीं होगा, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस को आपको दिया हुआ आपको 5 साल एक्सपीरियंस करना होगा, आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल अकाउंट से रिपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट में से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड कन्वर्ट विद द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, और आपको कंप्यूटर में जानना होगा जो एक्सपीरियंस होगा आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन विद MS ऑफिस उसके मुताबिक। और यहाँ पर अदर भी क्राइटेरिया वो सैलरी तो मैंने आपको पहले बोल दिया था, और रिक्रूटमेंट मेथड भी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई रिक्रूटमेंट ले जा रहा है, 5 ईयर्स इनिशियली फर्स्ट एक्सटेंशन बेस ऑफ रिव्यू। अगर आपको रिक्रूटमेंट एक्सटेंशन आपको कॉन्ट्रैक्चुअल है, आपका पहले 5 साल लिया जाएगा आपको काम के हिसाब से, और आपको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो सब कुछ आपका यहाँ पर आपको हो गया। उसको जो पार्चेस ऑफिसर है यहाँ पे भी आपको डिग्री करना पड़ेगा, और कुछ नहीं यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस को 3 साल आपको मटेरियल्स मैनेजमेंट परचेस ऑर्डर इन्वेंटरी और मैनेजमेंट बिल मटेरियल्स मतलब वेंडर डेवलपमेंट आपको यहाँ पर काम करना होगा, और यहाँ पर भी आपको सब कुछ आपको सेम में, और यहाँ पर भी उनको 5 साल काम करना पड़ेगा।
ठीक है। और दूसरी ऐप पर क्वालिफाइड रूप से आता है आपको स्टोर ऑफिसर होता है, तो यहाँ पर आपको डिग्री काउंट करना है, इसमें कॉमर्स को काउंट करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको 3 ईयर्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट द टूल रूम एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको काम करना होगा। बाकी सब कुछ आपको सेम है, मैं पहली ही बात आपको सैलरी वगैरह। उसके बाद सीनियर आपको इंजीनियर डिजाइन में एवरीवन डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो मैकेनिक्स एंड दिस ऑटोमोबाइल में और रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कंपनी पड़ेगा। एंड उनको एक्सपीरियंस 3 साल तक डिजाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड टूल रूम रेपुटेड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कैट CMC एंड CNC टेक्नोलॉजी पर। सो दूसरा आता है आपका जो सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन है, सो यहाँ पर भी उनको क्वालिफिकेशन डिग्री कंप्लीट करना होगा मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल जो जो मैकेनिक है सबसे कुछ में। सो यहाँ पर भी उनको 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कैट और सैम वगैरह पे। बाकी सब कुछ वो सेम है और सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस सब कुछ सेम है। उसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन आए यहाँ पर उनको डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा मैकेनिकल प्रोडक्शन में, तो पोस्ट डिप्लोमा है टूल डिजाइन कैट कैम और डिप्लोमा टूल डाई मेकिंग में। सो यहाँ पर उनको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा टू मेकिंग रेपुटेड टूल रूम एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद एक्सपर्ट CNC प्रोग्राम प्लानिंग फॉर मशीनरी टूल ट्रे ठीक है। यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा और कुछ नहीं पर दिया। उसके बाद जो आता है सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन में होता है, सही है पर उनको डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेट्रॉनिक्स में। और यहाँ पर वो उनको भी बार एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा 2 साल का। उसके बाद आपका आता है जो सीनियर आपका जो सीनियर जो मैनेजर होता है जो ट्रेनिंग में, यहाँ पर उनको डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा इंजीनियरिंग जो उनका मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो मेक्ट्रॉनिक्स उनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में कोई भी उनको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। और उनको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा जो इस फील्ड में उनको एक बार डेवलप होता होगा। और उनको 5 ईयर्स काम करना पड़ेगा फॉर टेक्नीशियन मैनेजर फॉर मैनेजमेंट पोजिशन में पोजिशन में ठीक है। काम काम करना होना होगा। दूसरा है आपका जो आपका मैनेजर पोस्ट पे जो मैकेनिकल में आप जानते होगे, तो यहाँ पर भी उनको डिग्री कंप्लीट करना होगा मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल पे। और उनको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस 5 ईयर्स ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोडक्शन डिजाइन उनको कंप्लीट करना पड़ेगा एंड 3 साल उनको रिस्पॉन्सिबल काम करना पड़ेगा फॉर टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट वगैरह। और आधार कार्ड है इंफॉर्मेशन दिया है आपका आपका लास्ट वाला जो सीनियर इंजीनियर होगा ट्रेनिंग के मुताबिक सही है, तो उनको सब सेम है सब कुछ होगा। और यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस होगा 3 साल का टूल मेकिंग ट्रेनिंग डिजाइन डिपार्टमेंट टूल रेगुलर इंजीनियरिंग ऑपरेशन में उनको काम करना होगा। बाकी सब कुछ सेम है। और लास्ट आपका आता है आपका जो सीनियर इंजीनियर है यहाँ पर सब कुछ सेम है। और यहाँ पर उनको 3 साल तक फुल प्रोडक्शन को एक्सपीरियंस उनको रखना पड़ेगा। और डॉलर कैसे क्या आपने अप्लाई करना होगा, पहले तो आपको दिस इंटरेस्ट कैन शुड बी सेंड द बायोडाटा फॉर एप्लीकेशन पार्टफॉर्म अवेलेबल सुविधा सुविधा के एलोंग द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट को करके सब करके हमको आप देख सकते हो करके गवर्नमेंट दिस अंडरटेकिंग शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड एडवांस डेवलपमेंट करके उनको सीधे लंबा नेम पोस्ट रिपोर्टेड ठीक है सेंटर वगैरह उनको जो एड्रेस है उसे मतलब भी उनको पोस्ट करना होगा ठीक है। तो पोस्ट जो है आपको अप्लाई करना होगा उसके आपको आपको टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आपको बोला जाएगा। जब आप काम करेंगे तो पूरा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपको एक बार DA मिल जाएगा, HRA मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, LTC मिल जाएगा, आपको CPF एंड ग्रेजुएटी ग्रुप इंश्योरेंस सारा सब कुछ आपके पास आपके ऊपर मिल जाएगा ठीक है। तो आपका PDF और ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताओ ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो
वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, उस चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देखिएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, आपके लिए बेस्ट ऑफ।